Good morning to all of you. Today we will continue civics chapter 5 sorry civics chapter 9 called public facilities page number 110 The government's role given that public facilities are so important someone must carry the responsibility of providing these to the people दिस द गवर्नमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर दैट दिज पब्लिक फैसिलिटीज आर मेड अवेलेबल टू एवरी वन लेट ट्राई एंड अंडरस्टैंड वाई द गवर्नमेंट एंड ओनली द गवर्नमेंट मस्ट बियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक फैसिलिटीज इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि उन्हें प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को जरूर उठानी चाहिए यहाँ किसी न किसी का अर्थ है गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बहुत सारी इंपॉर्टेंट कामों में एक यह भी है कि वह सभी लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए। हम अभी यह समझेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट और केवल गवर्नमेंट को ही क्यों उठानी चाहिए वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट यू रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन द स्टोरी ऑफ शर्ट इन यूवर क्लास सेवन बुक इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़ देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड फॉर एग्जाम्पल वॉट प्रॉफिट कैन अक्योर सॉरी अक्योर टू कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया कैंपेन। अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क हमें पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट कंपनीज केवल प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करती हैं इसके बारे में आप क्लास सेवन्थ की बुक में स्टोरी ऑफ अ शर्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ज़्यादातर पब्लिक फैसिलिटी में प्रॉफ़िट की कोई गुंजाइश नहीं होती उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या एंटी मलेरिया कैंपेन चलाने में प्राइवेट कंपनीज़ को कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता है और इसी कारण कोई भी प्राइवेट कंपनी इस प्रकार के काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स प्राइवेट कंपनीज़ में will be interested we have many of these particularly in large cities similarly if you are living in a city you will have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed bottles in such case private companies provide public facility but at a price that only some people can afford hence this facility is not available to all at an affordable rate रूल दैट पीपल विल गेट एज मच एज दे कैन पे फॉर मैनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर सच फैसिलिटीज विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लिव अन्ट लाइफ लेकिन दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज जैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल चलाने में प्राइवेट कंपनीज इंटरेस्टेड हो सकती हैं जैसा कि बड़े शहरों में होता है आपने बड़े शहर में प्राइवेट कंपनीज को टैंकर्स और सील्ड बॉटल्स के जरिए पानी सप्लाई करते हुए देखा होगा तो प्राइवेट कंपनीज पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड तो करवाती हैं लेकिन उसकी कीमत केवल कुछ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं यह फैसिलिटी अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल नहीं होती यदि नियम बन जाए कि जितना खर्च करेंगे उतनी फैसिलिटी पाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी और जो लोग इन फैसिलिटीज के लिए खर्च नहीं कर पाएंगे वे एक सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे नाउ कम टू द पेज नंबर वन हंड्रेड इलेवन क्लियरली दिस इज नॉट अ डिजायरेबल ऑप्शन पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू पब्लिक्स बेसिक नीड्स एन ए मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दिज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपुल्स बेसिक नीड्स आर मेड द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इज फॉर ऑल परसन लिविंग इन द लिविंग इन दिस कंट्री द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी देर फॉर मस्ट भी दैट ऑफ द गवर्नमेंट यह कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है पब्लिक फैसिलिटी का संबंध लोगों की बेसिक नीड्स से होता है किसी भी मॉडर्न सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि कि वहाँ पब्लिक फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम हो ताकि लोगों की बेसिक नीड्स पूरी की जा सके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ की जो गारंटी दी गई है वह देश के सभी लोगों के लिए है और इसी कारण पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है Where does the government get money for public facilities? Every year, you must have heard the government budget being presented in the parliament. This is an account of the expenses the government has made on its programs in the past year and how much it plans to spend in the coming year. In the budget, the government also announces the various ways in which it plans to meet these expenses. The main source of revenue for the government is the taxes collected from the people and the government is empowered to collect these taxes and use them for such programs for instance to supply water the government has to incur cost in pumping water carrying it over long distances laying down pipes for distribution treating the water for impurities and finally collecting and treating waste water it meets these expenses पार्टली फ्रॉम a वेरियस so minimum दैट इट water एंड daily use प्रत्येक वर्ष हम सेंट्रल बजट के बारे में सुनते हैं बजट के द्वारा गवर्नमेंट पिछले साल किए गए एक्सपेंसेस के बारे में बताती है और नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस का प्लान बनाती है बजट में गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ता है कि नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा लोगों से मिलने वाला टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करने का और उसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में खर्च करने का गवर्नमेंट को पूरा अधिकार होता है उदाहरण के लिए वाटर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट को पानी निकालने पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपलाइंस बिछाने पानी को साफ करने वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने और ट्रीटमेंट करने के लिए खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट इन खर्चों को पूरा करने के लिए टैक्सेस और पानी की कीमत चार्ज करती है प्राइस ऑफ वाटर को इस प्रकार तय की जाती है कि ज्यादातर लोग एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सके वाटर सप्लाई टू चेन्नई इज इट अवेलेबल टू ऑल वेल देर इज नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटीज शुड भी मेड अवेलेबल टू ऑलिटी वी सी दैट देयर इज अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रोविजन ऑफ वॉटर विच एज वी हैव सीन इज एंड इज अ पब्लिक फैसिलिटी ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इसमें कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटीज सभी को प्रोवाइड होनी चाहिए लेकिन रियलिटी में बहुत सारी जगहों पर पब्लिक फैसिलिटीज की शॉर्टेज होती है आगे हम पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यह पब्लिक फैसिलिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सॉ एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इज मार्क्ड बाय शॉर्टेज म्युनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज देयर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरलीन अदर्स दोट आर क्लोज टू देश पॉइंट गेट मोट मोर वाटर वेयर इज कॉलोनीज फर्दर अवेव रिसीव लेस वाटर चेन्नई में पानी की शॉर्टेज है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिटी के आधे आधे लोगों की पानी की जरूरत को पूरा कर पाता है कुछ एरियाज में रेगुलरली पानी आता है तो कुछ एरियाज में बहुत पा, कम पानी सप्लाई होता है जो एरियाज वाटर स्टोरेज पॉइंट्स के ज़्यादा करीब है वहाँ पानी ज़्यादा आता है जबकि दूर बसी हुई कॉलोनीज में कम पानी आता है द बर्डन ऑफ शॉर्ट फॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर द मिडिल क्लास वेन फेस्ड विथ वाटर शॉर्टेज आर एबल टू कोप थ्रू अ वेराइटी ऑफ प्राइवेट मीन्स एज डिगिंग बोरवेल्स बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर एंड यूजिंग बॉटल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग कम वाटर सप्लाई का बर्डन ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है मिडिल क्लास के लोगों को जब पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है तो वे बोरवेल खोद टैंकरों से पानी खरीद कर या बॉटल्ड पानी खरीद अपना काम चला लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल टू डिपेंड्स ऑन वॉट वन कैन अफोर्ड वंस अगेन The wealthy have more choices. Thanks to the booming market in bottled water and water purifiers, people who can afford it have safe drinking water. Whereas the poor are again left out in reality. Therefore, it seems that it is only people with money who have the right to water. A far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water. पानी की अवेलेबिलिटी के अलावा कुछ ही लोगों की सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक पहुँचे यह इस बात पर डिपेंड होता है कि कोई व्यक्ति कितना अफोर्ड कर सकता है फिर से बात क्लियर हो जाती है कि अमीर लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं सील्ड बॉटल पानी और वाटर प्यूरिफायर्स के बढ़ते हुए मार्केट के कारण वे लोग जो इन्हें खरीद सकते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था कर लेते हैं लेकिन गरीब लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है इस कारण ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास राइट टू वाटर भी है यह स्थिति सभी को सफिशियंट और सेफ वाटर प्रोवाइड कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स द शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट कंपनीज इन अ बिग वे मेनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज बाय Buying it from places around the city. In Chennai, water is taken from nearby towns like Mamanpur, Palur, Karunji, and from villages to the north of the city using a fleet of over 1300 water tankers. Every month the water dealers pay farmers an advance.

कंपनीज सिटी के आसपास के एरिया से पानी खरीद कर शहरों में बेचती हैं हर महीने वाटर डीलर्स किसानों को एडवांस पैसा देते हैं ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सकें इस कारण ना सिर्फ खेती के लिए पानी कम हो जाता है बल्कि गाँवों में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भी कम हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप में ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी कम होता जा रहा है